नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस खास वीडियो में आप सभी से हम चर्चा करने वाले हैं कि भोजपुरी फिल्मों के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर चिंटू के पिता राजकुमार पांडे ने जो एक तरह से उनके साथ विवाद चल रहा है और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के ऊपर काफ़ी गलत चीज़ें ने यूज़ किया, इसी के बचाव में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा है और आखिर किसकी साइड लिया है पवन सिंह ने, खेसारी लाल यादव और राजकुमार के विवाद में आखिर पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आज की इस खास वीडियो में सभी को हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आखिर ये मामला क्या है। तो आप सभी को बता दें कि अभी हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन पहले खेसारी लाल यादव की फिल्म मैनी लगा कर रखना पार्ट 3 की शूटिंग चल रही थी और उसी दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को राजकुमार द्वारा फोन किया जाता है। जी, वही राजकुमार है जो चिंटू के पिता है और ये फ़ोन करके एक तरह से डायरेक्टर्स को एक तरह से धमकाते हैं और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव को आपने फिल्म में क्यों दी। इसके साथ साथ उन्होंने खेसारी लाल यादव के ऊपर काफ़ी अपशब्द का प्रयोग किया और इसके साथ साथ उन्होंने खेसारी लाल यादव को छक्का तक कह दिया। सेट पर खेसारी लाल यादव अपने शूटिंग में व्यस्त थे और जैसे खेसारी लाल यादव को इस बारे में पता लगता है, खेसारी लाल यादव तुरंत लगभग रात के टाइम एक वीडियो बना डालते हैं और अपने सभी फैंस से ये कह डालते हैं कि जितने भी खेसारी लाल यादव को इस समय गालियाँ पड़ रही हैं और जितने भी उनके वाद विवाद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार पांडे की वजह से ही होते हैं, वही लोगों को एक तरह से उकसाते हैं उनको गाली दिलवाने के लिए। वैसे कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से इस पर पवन सिंह ने क्या कहा, आप सभी को हम बता दें कि पवन सिंह काफ़ी गुस्से में एक तरह से नजर आ रहे थे और पवन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी कलाकार को इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ पवन सिंह ने यह भी कहा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे मेहनती कलाकारों में से एक हैं। इसके साथ साथ वो उनके छोटे भाई भी हैं। पवन सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है और फोन कर धमकाता है, इस पूरे विवाद को पवन सिंह सामने आकर एक तरह से सुलझा रहे हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव का सपोर्ट किया है। आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि भोजपुरी फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं आर राजकुमार पांडे और अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने पवन सिंह के ऊपर निशाना साधा था और अब खेसारी लाल यादव के ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करते हुए अपनी बातें रखी। आप सभी का इस पर क्या कहना हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस तरह की वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।